हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर सेवदा क्लासेस। इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, लैंडमैन वैन एंड सर्च इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बट उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द टेक्नोलॉजी यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क आर। तो फर्स्ट हमारे पास में द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन वैन नेटवर्क्स आर। तो वैन जो है हमारे पास में ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और इसके अंदर ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज सोनेट, फ्रेम रिले एंड एटीएम का यूज किया जाता है। सोनेट जो होता है यहाँ पे होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क, जिसके अंदर लाइट के फॉर्म के अंदर अपने डेटा का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये अभी करंटली सिनेरियो में यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा नेटवर्क है, बड़ी नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं अपन फ्रेम रिले की। तो ये हमारे पैकेट स्विचिंग, जो कि आपके टेलीफोन कनेक्शंस के लिए यूज की जाती थी, उस फॉर्मेट का यूज किया जाता था इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें जो है आपके राउटर्स पे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास में एटीएम। एटीएम जो है उसकी फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। इसके अंदर आपका जो कंप्लीट डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था और उन हर एक पार्ट को सेल बोला जाता था। ठीक है, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो डिले होता था किसके बीच में, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में। जब सोर्स डेटा ट्रांसमिट करता है बट डेस्टिनेशन पे रियल टाइम पे डेटा नहीं पहुँच पाता था, एक डिले के साथ में डेटा पहुँचता था। ठीक है, और वो अनइवन डिले की वजह से हम लोग इसको बोलते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो सबसे बेटर है यहाँ पे सोनेट, जिसके अंदर रियल टाइम पे डेटा का ट्रांसमिशन होता है, मतलब इसकी जो स्पीड है डेटा ट्रांसमिट करने की वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट ये तीनों ही टेक्नोलॉजी हमारे वैन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास में, चूज ए लैन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द बिलो लिस्ट। इनमें से कौन सी लैन ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे ईथरनेट, लेन सर्वर्स, नोवल नेटवर्क, कर्व्स एंड आर्क नेट, ओमनी नेट एंड पीसी नेट, आईबीएम पीसी नेट, लैन, ये सारे टेक्नोलॉजीज आपके लैन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास में, ए हब एंड द स्विचेस आर ब्लैंक डिवाइसेस। हब और स्विचेस को कहाँ यूज किया जाता है, तो बेसिकली हमारे पास में हब और स्विचेस का यूज हमारे लैन नेटवर्क में किया जाता है। कौन से में किया जाता है, लैन नेटवर्क में किया जाता है। अब हमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जो लैन जो हब है वो आपके ओएसआई लेयर के अंदर जो सबसे लास्ट लेयर फिजिकल लेयर होती है उस पे लगा हुआ होता है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, वो जितनी भी डिवाइसेस इस हब से कनेक्टेड होती है तो वो सारे के सारे डिवाइसेस जब डेटा ट्रांसमिट करती है तो वो सबसे पहले डेटा कहाँ पहुंचता है, हब के पास में पहुंचता है। और जैसे ही वो हब के पास में पहुंचता है ये जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे सपोज टू बी इसने डेटा ट्रांसमिट किया, अब जब इसके पास से डेटा आया तो हब क्या करता है, जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है उन सबको इसका डेटा ट्रांसमिट कर देता है। तो ये फंक्शनैलिटी होती है आपके हब की। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर पैकेट का फिल्ट्रेशन नहीं होता कि पर्टिकुलर कौन से नोड के लिए ये वाला पैकेट आया है, ये इस चीज को वेरीफाई नहीं करता। इसी की जगह पे हमारे पास में एक होता है स्विच, और उस स्विच में क्या फंक्शनैलिटी होती है कि वो आपकी जो पैकेट्स आ रहे हैं एक नेटवर्क के थ्रू, उस पैकेट्स को पहले वो वेरीफाई करता है कि पर्टिकुलर कौन से नोड पे इसको भेजना है। वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, वो उसकी फिल्ट्रेशन करता है कि वो फिल्टर करता है कि कौन से नोड पे भेजना है, कौन से डेस्टिनेशन से इसका मैचिंग हो रही है और पर्टिकुलर उसी नोड पे भेजता है। तो इस तरीके से आपके हब और स्विचेस वर्क करते हैं। पर दोनों ही जो ये डिवाइसेस हैं वो कहाँ वर्क करती है, लैंड के अंदर वर्क करती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास में, चूज ए वैन डिवाइस फ्रॉम द बिलो लिस्ट। इनमें से कौन से वैन डिवाइसेस हैं, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया एंड गेटवे हो गया। पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ब्रिजेस क्या करते हैं, दो अलग अलग लेंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज नेटवर्क का यूज करते हैं। और ये ब्रिज क्या करता है, एक्चुअली इसके पास में सपोज टू बी, सिंपल सेंस में यदि अपन बात करें, सपोज टू बी इस साइड में दो डिवाइसेज है और इस साइड में दो डिवाइसेज, इनको हमने अलग अलग नाम दे दिए, सपोज टू बी ए, बी और सी और ये डी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे ए ने कोई डेटा ट्रांसमिट किया किसके लिए,
बी के लिए। तो उस केस में ये डेटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये डेटा जाएगा आपके यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आपके इस ब्रिज तक, ठीक है। ब्रिज में इसने, ब्रिज के पास में टेबल होती है, उसने देखा कि ये वाला जो होस्ट जिसको आप भेज रहे हो बी को, वो तो इसी नेटवर्क में है, तो वो यहाँ पे आपके पैकेट को ड्रॉप कर देता है। और क्यों कर देता है, क्योंकि बी के पास में ऑलरेडी डेटा पहुंच चुका है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, बस टेक्नोलॉजी यूज की हुई है, तो दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट करता है, तो ये डेटा ऑलरेडी बी के पास में पहुंच चुका है और उसके बाद में डेटा को ड्रॉप कर दिया जाता। ऐसा नहीं होता, सीओडी के पास जबरदस्ती डेटा नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि ए से डी को डेटा ट्रांसमिट करना होता तो ए से पहले आपके ब्रिज के पास पहुंचता, ब्रिज अपने टेबल के अंदर चेक करता कि ये वाला जो नोड है वो कौन से लेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस वाले लेन पे जाकर के वो डेटा को ट्रांसमिट कर देता और कॉरेस्पॉन्डिंग जिस भी डिवाइसेस के लिए बना हुआ है उसको ये डेटा रिसीव हो जाता। तो इस तरीके से आपके ब्रिजेस वर्क करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम राउटर्स की। तो हमारे पास में जब अलग अलग नेटवर्क्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर राउटर्स का यूज किया जाता है। जैसे दो या तीन या चार जितने भी अलग अलग लाइन्स हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं, जब उनकी प्रोटोकॉल्स अलग अलग होती है अलग अलग की, तो उस केस में हम राउटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। गेटवे होता है वो आपके ओएसआई लेयर की जो स्टार्टिंग की जो लेयर्स होती है, मतलब अबाउ मोस्ट जो लेयर्स होती है, एप्लीकेशन लेयर हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, सेशन लेयर्स हो गई, उन पे वर्क करता है। इनका मैक्सिमम वर्क क्या होता है, ताकि आपके डेटा की फिल्ट्रेशन अच्छे से हो पाए, उसको इंटरप्रेट करके वो चेक करता है कि पर्टिकुलर कौन सी सर्विस के लिए ये एप्लीकेबल है, ये यूजफुल है कि नहीं है, तो ये सारे फिल्ट्रेशन आपके गेटवे पे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चारों तीनों डिवाइसेस का वैन नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है, बट इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स द स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया, इनमें से सबसे छोटा ज्योग्राफिकल एरिया को कौन कवर करता है, कौन सा नेटवर्क कवर करता है। तो ये कवर करता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो आपका वाईफाई का नेटवर्क भी हो सकता है, आपका ब्लूटूथ का नेटवर्क भी हो सकता है, जैसे सपोज टू भी आप अपने फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग जो कि आपके अराउंड है वही लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, ऐसा नहीं होता 2 किलोमीटर दूर के लोग भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके ब्लूटूथ के कनेक्शन होते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हम डेटा का ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के तरीके से। तो ये आपके जो नेटवर्क होते हैं वो होते हैं आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिनके ज्योग्राफिकल एरिया जो नेटवर्क होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी सेपरेट नेटवर्क, अलग अलग सेपरेट नेटवर्क्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, हम लोग वैन बोलते हैं, क्योंकि जनरली वैन की डेफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ लेन्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। तो ये एक अलग नेट हो गया, मतलब लेन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, ये अलग लेन हो गया, ये एक अलग लेन हो गया, बट ये तीनों के तीनों लेन्स हमारे पास में राउटर से कनेक्टेड हैं, तो उस केस में हमारे पास में ये पूरा का पूरा नेटवर्क क्या बन जाता है, वैन बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारे पास में प्रोटोकॉल यूज टू कंट्रोल द सिक्योर सेंडिंग ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट, आपके डेटा को सिक्योरली आपके इंटरनेट पे ट्रांसफर करने के लिए, सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए यूज किया जाता है HTTPS। कैसे बनी हुई है HTTPS, ये बना हुआ है आपके HTTP+ SSL प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, तो इन दोनों से मिलकर के आपका बनता है HTTPS, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो सिक्योर शेल लेयर है वो आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, आपके डेटा को एनक्रिप्शन करती है, मतलब उसका जो फॉर्मेट है डेटा का उसको चेंज कर देती है, ताकि इंटरमीडियरीज जो होते हैं, जो आपके जो नेटवर्क है उसको वो हैक करते हैं, उनको वो डेटा का मीनिंग समझ में नहीं आता। तो इस तरीके से वो आपके डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास में विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए होता है। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन हमारे पास में हमें चाहिए होता है बस को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो बस होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, जैसे यहाँ पे एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन में मल्टीपल डिवाइसेस आपके टैप सिंबल्स के थ्रू
कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास में एक बेस लाइन पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपॉइंट कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास में इन ए मेश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड टोपोलॉजी ऑफ। मेश टोपोलॉजी के अंदर हर एक जो डिवाइस होती है वो डिवाइस एक हर दूसरी डिवाइस के साथ में डेडिकेटेड कनेक्शंस रखती है। डेडिकेटेड कनेक्शंस का मतलब है उन डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कनेक्शन होता है, मतलब वायरिंग से आप आपस में कनेक्टेड होती है। दिस इज सपोज टू बी तीन डिवाइसेस हैं और ये तीनों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं मेश टोपोलॉजी में कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं किस तरीके की लिंकिंग होती है, हर एक डिवाइस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग होती है, क्योंकि हर एक डिवाइस सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज मोस्टली यूज्ड इन द बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी कौन से नेटवर्क में यूज की जाती है। तो ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में यूज की जाती है, जहां पे ईथरनेट का जो वायर होता है आपका, उस ईथरनेट के वायर से हमारे मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए हम लोग जब टोपोलॉजीज का यूज करते हैं, मतलब फ्रेम का यूज करते हैं कि किस तरीके से वो कनेक्टेड है, उसके लिए अपन तीनों टोपोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। अब यदि हम बेसिकली देखें तो बस में तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, एक बेस बोन होता है, इस बेस बोन के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं और जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, वो एक रिंग फॉर्मेट में होते हैं और यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस, जैसे सपोज टू बी यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, इस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इस तरीके से वो कनेक्शंस होते हैं। रिंग टोपोलॉजी की एक खासियत ये है कि इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होता है, दोनों डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे हब का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बीच में हब रखा हुआ होता है और जितनी भी डिवाइसेज इससे कनेक्टेड है वो डायरेक्टली इससे अपने अलग अलग लाइन के थ्रू कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो वो इस तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन करती है। नेक्स्ट हमारे पास में द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड। जब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन किया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, तो उस तरीके की टोपोलॉजीज को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे एक बस टोपोलॉजी के अंदर आप रिंग और स्टार दोनों टोपोलॉजीज का यूज कर रहे हो, जैसे सपोज टू बी ये हमारे पास में बस टोपोलॉजी है, इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, तो इस वाले नेटवर्क के अंदर तो हम लोगों ने क्या यूज किया है, इस वाले नेटवर्क के अंदर तो सपोज टू बी मैंने यहाँ पे कोई स्टार टोपोलॉजी का यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड है और हो सकता है इसी तरीके से हमारे पास में जो ये वाला जो नेटवर्क है, तो इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने कोई और मैश टोपोलॉजी का यूज किया हुआ है, कि इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग हो रही है। तो यहाँ पे अलग अलग जब नेटवर्क्स को अलग अलग टोपोलॉजीज को एक साथ इंक्लूड किया जाता है तो ये हमारी बन जाती है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास में द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिलायबल होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, जिसके अंदर डेटा लॉस्ट होने की या कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, तो वो होती है हमारे पास में मैश टोपोलॉजी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है तो वहां पे हर डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो मतलब हर दो डिवाइसेस के बीच में आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जिस वजह से यहाँ पे कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता है, अलग अलग वर्किंग चलती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ड ऑन ए सेंट्रल डिवाइस दैट कैन बी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर जब हम सेंट्रल डिवाइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों सेंट्रल डिवाइसेस का यूज किया जा सकता है, हब का भी यूज कर सकते हैं और स्विचेस का भी यूज करते हैं। बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, हब के अंदर ब्रॉडकास्टिंग होती है, डेटा का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। बट स्विच के अंदर डेटा का फिल्ट्रेशन हो सकता है, उसके पास में एक टेबल होती है जिसके बेसिस पे जब वो डेटा आता है, डेटा का पैकेट आता है, तो उसमें वो डेस्टिनेशन को मैच करवा लेता है कि पर्टिकुलर कौन से डेस्टिनेशन पे उसे डेटा भेजना है, तो पर्टिकुलर उसी पे जाता है, सब पे डेटा डिलीवर नहीं होता है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी होती है जिसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे स्टब नाम की कोई टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है इन ए स्टार टोपोलॉजी ईथरनेट लेन ब्लैंक इज जस्ट ए पॉइंट वेयर द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट स्टेशन कोलाइड, इट इज ए कॉलिजन
पॉइंट। तो ये कौन से केस में होता है? ये जनरली आपके पेसिव हब में होता है, जो आपके कहाँ लगा हुआ होता है, आपके ओएसआई लेयर के फिजिकल लेयर पे लगा हुआ होता है। इस केस में क्या होता है, आपके मल्टीपल जो स्टेशन है वहां से आपका डायरेक्टली जो डेटा है वो हो सकता है एक ही टाइम पे हब के ऊपर एक साथ आ जाए, ठीक है। तो उस केस में वहां पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं, कॉलिजन अकर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक इज द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट द मशीन एंड पीपल विद इन ए साइट इन ए स्मॉल एरिया। एक छोटे एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं जिनकी जो डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्टेड होती है, कौन से नेटवर्क के थ्रू? लैन नेटवर्क के थ्रू, जिसको हम लोग इथरनेट लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होती है, एक लैन का कनेक्शन दिया जाता है और उस पूरे एक वायर से ही आपके मल्टीपल डेप्स के थ्रू आपकी जो अदर जो डिवाइसेस है उनको एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स दैट मे फॉर्म ए सर्कल। ऐसा कौन सा कनेक्शन का नेटवर्क का टाइप है जिसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिंकिंग होती है, मतलब हर एक दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन होता है और डायरेक्ट कनेक्शन होता है, दैट फॉर्म ए सर्कल, और जिसके अंदर वो सर्कल बनाती है। तो उस केस में हमारे पास में हो जाती है रिंग टॉपोलॉजी, और ये रिंग टॉपोलॉजी वर्क कैसे करती है, जैसे सपोज टू बी हमारे पास में चार डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चारों डिवाइसेस है वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है, आपस की नेबरिंग दो डिवाइसेस से डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाती है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिवाइसेस से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो ये ओनली आपकी नेबरिंग दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होती है, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा रिंग के अंदर एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, तो एक ही तरीके से वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। बीच में यदि कोई वायरिंग कोई लाइन खराब हो जाती है तो इस केस में आपका जो कनेक्शन है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, क्योंकि ये डेटा यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, इससे आगे डेटा नहीं पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है रिंग टॉपोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास में इन ए नेटवर्क विथ 25 कंप्यूटर्स विच टेक्नोलॉजी विच वुड रिक्वायर द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। सबसे ज्यादा केबल कौन सी टॉपोलॉजी को रिक्वायर्ड होती है? तो सिंपल सी बात है, आपके पास में ये केबलिंग आपको मैश टॉपोलॉजी के अंदर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसके हर एक पेयर के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, मतलब हर एक लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज टू बी यहाँ पे चार डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या होती है, हर डिवाइस तीन अदर जो डिवाइसेज है उनसे कनेक्टेड है। जैसे सपोज टू बी ये वाली इससे कनेक्टेड है, ये वाली इससे भी कनेक्टेड है, और ये वाली इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से ये वाले जो डिवाइसेस है वो इससे कनेक्ट तो हो ही चुकी है, तो ये इससे भी कनेक्ट हो गई और ये इससे भी कनेक्ट हो गई, ठीक है। और उसके बाद में है आपके पास में जैसे ये वाली डिवाइस इससे हो गई, इससे हो गई, तो ये वाली इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइसेस की कनेक्टिविटी होती है। तो सबसे ज्यादा जो नेट लाइन्स चाहिए होती है वो आपके मैश टॉपोलॉजी में चाहिए होती है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। यदि अपन इसके फॉर्मूले की बात करें कि जैसे सपोज भी आपको दिए हुए हैं कि आपके पास में 10 नेटवर्क है, मतलब 10 कंप्यूटर है, तो उस 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करवाने के लिए मैश टोपोलॉजी के अंदर कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पे फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन। क्यों होता है ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली देखो कि हर एक जो डिवाइस है, जैसे एक ही जो डिवाइस है वो कितने लोगों से या कितने डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तीन डिवाइसेस से, और तीन डिवाइसेस क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस हो गए आपके पास में यहाँ पे चार। तो यहाँ पे फर्स्ट जो डिवाइस है वो कितने लोगों से कनेक्टेड है, एन माइनस वन, मतलब तीन डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से यदि अपन इस वाले डिवाइस की बात करें तो ये डिवाइस भी क्या होती है, रिमेनिंग तीन से कनेक्टेड है, जो थर्ड वाली है वो भी रिमेनिंग थ्री से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं n डिवाइसेस, हर एक डिवाइस n माइनस वन डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टोटल हो गए n इंटू एन माइनस वन। बट प्रॉब्लम क्या है, ये डिवाइस जब इससे कनेक्ट हुई और इसी केस में ये डिवाइस इससे भी कनेक्टेड हुई, तो मतलब दोनों एक ही लाइन का तो यूज कर रही है ना, भले ये इससे कनेक्टेड हो या ये इससे कनेक्टेड हो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास में यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे आपने जो काउंटिंग की है वो डबल टाइम्स कर ली, कि आपने इस जब इसकी काउंटिंग की तब भी काउंट हो गया, और टू की काउंटिंग हुई तब भी काउंट हो गया, तो इस वजह से अपन पूरी जो नेटवर्क लाइन आएंगे उसको डिवाइड कर देते हैं टू से। तो ये आपका आंसर हो जाता है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। चलो नेक्स्ट आपके पास में एफडीडीआई इज ए, तो एफडीडीआई क्या होती है, यहाँ पे एफडीडीआई आपकी डेटा लिंक लेयर पे यूज की जाती थी,
और इसके अंदर क्या होता था, रिंग नेटवर्क के थ्रू इसमें डिवाइसेस कनेक्टेड होती है। बट बेसिक फंक्शनैलिटी क्या होती है FDDI के अंदर, इसमें दो रिंग्स का यूज किया जाता है, सिंगल रिंग का यूज नहीं किया जाता। इसमें टोकन रिंग होती है और यहाँ पे कितनी रिंग्स होती है, दो रिंग होती है। क्यों यूज की जाती है दो रिंग्स? वो इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो रिंग होती है वो ओनली सिंगल डायरेक्शन में वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन के लिए दो अलग अलग रिंग का यूज किया जाता है। तो पहले वाली डायरेक्शन हो सकती है ये इस तरीके से चल रही हो, और दूसरी वाली का डायरेक्शन हो सकता है वो इस तरीके से मूव ऑन कर रही हो। तो आपकी जो डिवाइसेज हैं वो दो रिंग्स के एक साथ कनेक्टेड होती है FDDI नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिंग नेटवर्क। नेक्स्ट आपके पास में द मल्टी पॉइंट टेक्नोलॉजी इज, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास में इन बस टोपोलॉजी द डिवाइस लिंकिंग ऑल द नोड्स इन ए नेटवर्क इज। हमारे पास में बस टोपोलॉजी के अंदर जब सारे डिवाइसेस एक लाइन पे बेसबोन पे जो कनेक्ट होती है तो उसको क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बैकबोन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हमारे पास में जिटर रेफर्स टू। जिटर क्या होता है, नेटवर्किंग के अंदर जब पैकेट अराइव होते हैं, मतलब सेंडर रिसीवर को जब डेटा भेजता है, जैसे ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर को जब डेटा भेज रहा है, बट जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, जो ट्रेवल करके पहुंच रहा है, वो क्या होता है, उसमें डिले का वेरिएशन से हो सकता है पहले पैकेट में 1 सेकंड का वेरिएशन हो, दूसरे पैकेट के अंदर 2 सेकंड के बाद पहुंच रहा हो, तीसरा पैकेट 4 सेकंड के बाद पहुंच रहा हो, ठीक है। तो अलग अलग डिले के साथ में जब आपका जो पैकेट है वो रिसीवर के पास में पहुंचता है तो इसमें आंसर हो जाता है कि उसके वेरिएशन को हम लोग जिटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारे पास में टू हाफ डुप्लेक्स सिस्टम्स कैन मेक ए फुल डुप्लेक्स सिस्टम। पहली चीज, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, हाफ डुप्लेक्स का मतलब हुआ एक बार में एक ही इंसान कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि सपोज टू बी आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि पुलिस वॉकी टॉकी का यूज करते हैं। जब एक पर्सन बोल रहा होता है, जैसे सपोज टू बी ए यहाँ पे बोल रहा है, तो उस केस में बी ओनली इसको सुन सकता है, बोल नहीं सकता, ठीक है। जब फिर इसका मोड चेंज हो जाता है तो बी बोलता है और ए इसको सुनता है, ए बोलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों आपस में एक साथ दोनों कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इस केस में जो लाइन होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, मतलब शेयरिंग मोड में होती है, तो ए भी डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, बी भी डेटा ट्रांसमिट कर सकता है सेम टाइम पे, तो वो होता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दो हाफ डुप्लेक्स मिलकर एक फुल डुप्लेक्स बना सकता है। नेक्स्ट आपके पास में हाउ मेनी लिंक्स आर देयर फॉर एन नोड्स इन द मैश टोपोलॉजी। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास में हाउ मेनी लाइन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बस टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने मैश टोपोलॉजी में निकाला उसी तरीके से यदि अपन बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो कितने लाइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे बैकबोन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मल्टी पॉइंट्स के थ्रू आपकी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिवाइसेस की कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट होगी कि जितनी तो ये नेट छोटी छोटी लाइंस है जितनी आपकी डिवाइसेस कनेक्टेड हो उतनी तो आपकी लाइंस हो गई छोटी वाली, और एक हो गई आपकी बड़ी वाली बैकबोन की लाइन। तो यहाँ पे कितने लाइंस की रिक्वायरमेंट हो गई, एन प्लस वन। तो एन तो नंबर ऑफ नोड्स हो गए जो आपस में कनेक्ट होने वाले हैं, एक आपकी बैकबोन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इज नॉन एज। जब लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स एक साथ यूज की जाती है तो उसका मतलब है हम प्रोटोकॉल स्टैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास में इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ए फास्ट सेंडर फ्रॉम स्वैम्पिंग ए लोअर रिसीवर विद द डेटा एंड फीडबैक इज ऑफन यूज्ड, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। जैसे कई बार क्या होता है कि आपका जो रिसीवर है वो बहुत धीरे आपके डेटा को रिसीव करता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है, वो धीरे धीरे डेटा को ऑप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है, बट जो सेंडर है वो बहुत फास्ट है तो वो बहुत जल्दी जल्दी डेटा भेजता है। तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि वो ओवरलोडेड ना हो आपका रिसीवर, उसके लिए हम लोग फ्लो कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारे पास में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है हमारे डिवाइसेस के अंदर लगा हुआ होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसकी वजह से आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी कर पाते हो, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्टिविटी कर पाते हो और अदर डिवाइसेस भी आपके सिस्टम से
कनेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब इस डिवाइस में क्या होता है, आपके जो हार्डवेयर जो डिवाइस होती है उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो एड्रेस आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर इम्प्रिंटेड होता है। कौन सी फिजिकल एड्रेस की बात करें, हम लोग मैक एड्रेस की बात करें जो कि आपके 6 बाइट का होता है, वो एड्रेस आपके यहाँ पे अवेलेबल होता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, कनेक्ट द क्लाइंट्स एंड सर्वर्स पेरिफेरल्स टू द नेटवर्क थ्रू द पोर्ट। जैसे आपके अलग अलग छोटे कंपोनेंट्स हो गए, आपके नेटवर्क के थ्रू आपके डिवाइस को कम्युनिकेट करवाना है, तो उस केस में हमें NIC कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ए डिवाइस दैट कनेक्ट द नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करती है, तो वो डिवाइस होती है हमारे पास में गेटवे। ठीक है, जो आपके कौन सी लेयर्स पे अवेलेबल होता है, ये आपके अबाउट 3 लेयर्स पे अवेलेबल होता है। कौन कौन सी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ लेन्स इज, एक वो डिवाइस जो आपके मल्टीपल लेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, तो वो डिवाइस हमारे पास में होती है ब्रिजेस। ठीक है, तो मल्टीपल लेन्स को ये आपस में कनेक्ट करती है, इसकी फंक्शनलिटी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में विच एड्रेस इज यूज इन एन इंटरनेट एम्प्लॉइंग द TCP/IP प्रोटोकॉल। ऐसे कौन सा एड्रेस है जो आपके TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पे यूज किया जाता है फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, दोनों का यूज किया जाता है। फिजिकल एड्रेस का यूज कहाँ किया जाता है, आपकी डेटा लिंक लेयर पे यूज किया जाता है। ठीक है, वो आपका हार्डवेयर का एड्रेस होता है, और जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो IP एड्रेस होता है। जो आपका IP एड्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी करनी होती है तो यूनिकली रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल एड्रेस। नेक्स्ट आपके पास में विच एड्रेस आइडेंटिफाइज ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट, किसी भी होस्ट के ऊपर मतलब किसी भी कंप्यूटर के ऊपर यदि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोसेस को फाइंड आउट करना है तो कौन से एड्रेस का यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग पोर्ट एड्रेस का यूज करते हैं। जैसे सपोज टू बी आप लोग यदि ब्राउजर पे किसी वेब पेज को सर्च करते हो, तो उस केस में आपके पास में STTP प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। तो STTP जो प्रोटोकॉल है वो कौन से सर्विस का यूज करती है, कौन से एड्रेस का यूज करती है, वो 8080 पोर्ट एड्रेस का यूज करती है। तो इस तरीके से जितनी भी सर्विसेज हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल होती हैं सबका अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट हमारे पास में ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ए सिस्टम वन प्रोटोकॉल पर लेयर इट इज कॉल्ड। यदि हमारे पास में प्रोटोकॉल्स की लिस्ट है जहां पे हर एक लेयर पे उसके प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया हुआ है, उस पूरी लिस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल का सूट। जैसे कि हमारे पास में 2 प्रोटोकॉल सूट्स अवेलेबल हैं, एक होता है OSI प्रोटोकॉल सूट, एक होता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। OSI के अंदर 7 लेयर्स है और 7 लेयर्स की जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, उसी तरीके से TCP/IP के अंदर 5 लेयर्स है और 5 की अलग अलग प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाता है, तो उन सेट ऑफ रूल्स का हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल। जैसे सपोज टू बी 2 कैंडिडेट्स है बट वो दोनों आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते, तो उस केस में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ट्रांसलेटर ए की बात को समझ करके बी को ट्रांसलेट करता है और बी की बात को समझ करके ए को ट्रांसलेट करता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वर्क करती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारे पास में IPv4 हैज ब्लैंक बिट एड्रेसेस। IPv4 के पास में कितने बिट का एड्रेस होता है, IPv4 के पास में 128 बिट का एड्रेस होता है। 128 बिट का मतलब हो गया यहाँ पर 2 की पावर 128 कॉम्बिनेशंस आपके यहाँ पर बन सकते हैं आईपी एड्रेसेस के। ठीक है, मतलब इतने एड्रेसेस एक साथ अलॉट किए जा सकते हैं, इतनी डिवाइसेस एक साथ नेटवर्क में एस्टैब्लिश्ड हो सकती है और आपस में कम्युनिकेशन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पहले क्या होता था, IPv4 का प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जनरली अभी भी IPv4 का यूज किया जाता है जिसके अंदर 32 बिट का एड्रेस होता है, जिसके अंदर 2 की पावर 32, तो वहां पे हो गया अराउंड वो 4 बिलियन के अराउंड जो एड्रेसेस है, उतने एड्रेसेस का यूज एक साथ
करंट टाइम पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। पर बाय द टाइम जब आईओटी का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, हर एक छोटी से छोटी चीज के अंदर भी हम लोग चिप का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उसकी ट्रैकिंग की जा सके, उसके डेटा की प्रोसेस किया जा सके, तो उस केस में बहुत ज्यादा आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में अब हाँ, जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, आईपीवी 4 की जगह पे आईपीवी 6 का यूज किया जाने लग गया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन द आईपी प्रोटोकॉल स्टैक। आईपी प्रोटोकॉल स्टैक टीसीपीआईपी के प्रोटोकॉल स्टैक को बोला गया है। तो यहाँ पे आपके पास में 5 लेयर होती है, वो होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपके पास में HTTP is the acronym of, तो HTTP का किसका एक्रोनिम है, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल, इनमें से कौन से प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल है। HTTP प्रोटोकॉल, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है, हम लोग www मतलब जहाँ पे हमारे वेब पेजेस रखे हुए, वहां से जब डेटा को एक्सेस करते हैं और हम ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, तो वो डेटा किस फॉर्मेट में आता है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू आता है, वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आता है, ठीक है। तो उस केस में ब्राउजर की सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में POP, वो होती है आपकी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसमें क्या होता है, आपके पास में जब आप मेल सेंड करते हो किसी भी, जैसे आप सेंडर हैं, ठीक है, और एक आपके पास में रिसीवर है। तो सेंडर क्या करता है, जब मेल सेंड करता है तो सेंडर अपने यहाँ से लोकल से आपके मेलिंग सर्वर पे डेटा डाल देता है, ठीक है। मेलिंग सर्वर से रिसीवर का जो मेलिंग सर्वर है, मतलब उसके आसपास में जो सर्वर रखा हुआ, वहां तक डेटा पहुंचाता है। यहाँ पे तक डेटा कौन पहुंचाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब SMTP प्रोटोकॉल के थ्रू यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। अब बाद में जब यहाँ से लोकल से जब आपके रिसीवर पे डेटा पहुंचता है, तो यहाँ पे आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का जनरली यूज आप लोग फाइल्स के ट्रांसमिशन के लिए कर सकते हैं। अब फाइल का ट्रांसमिशन हो सकता है लोकल डिवाइसेस के कम्युनिकेशन में फाइल्स का ट्रांसमिशन हो रहा हो, सर्वर से आपकी फाइल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में हम लोग FTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही आपके प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हो गए, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, इनमें से कौन सी इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स है। अब देखो यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल, तो ये आपके इंटरनेट को कनेक्ट करवाने के लिए यूज की जाती है वाली प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में HTTP, ये भी आपके ब्राउजर से सर्वर की कनेक्टिविटी करवाती है। SMTP, इसके थ्रू भी आप इंटरनेट पर अपने मेल का ट्रांसमिशन कर पाते हो। तो ये तीनों ही आपकी इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स हो गई, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ब्लैंक अलाउज द लैन यूजर्स टू शेयर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लैन के यूजर्स को अलाउ करता है कि आपके प्रोग्राम के डेटा को या उसके अंदर जो रिसोर्सेज है उनको वो शेयर कर पाए। तो उसके अंदर हमारे पास में यहाँ पे आंसर होता है सी, फाइल सर्वर, क्योंकि इसके थ्रू अपन फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास में द कॉम्पोनेंट इन द डोमेन नेम स्पेस आर सेपरेटेड बाय, डोमेन नेम जो स्पेस होता है DNS जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पे DNS का एग्जांपल सबसे पहले तो ये देखो कि जैसे www.facebook.com की अपन बात करते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पास में क्या हो गया, तो यहाँ पे ये Facebook का डोमेन नेम है और इस डोमेन नेम में क्या है, ये डॉट से सेपरेटेड अलग अलग वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को पूछा हुआ है कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स है कॉम्पोनेंट्स है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, डॉट से कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास में इंटरनेट लाइक नेटवर्क्स विद इन एन एंटरप्राइज इज कॉल्ड, इंटरनेट के तरीके का नेटवर्क यदि किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए ही यूज किया हुआ है, कहने का क्या मतलब हुआ, ओनली जो आपके एंटरप्राइज की जो डिवाइसेस हैं वो ही आपस में कनेक्टिविटी कर पाएगी, उनमें से एक को सर्वर बना दिया जाएगा, सारे डिवाइसेस उस सर्वर के ऊपर डेटा डालेगी और उन्हें उसी सर्वर से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी मतलब निकाल पाएगी। तो इस तरीके की यदि इंटरकनेक्टिविटी यदि एस्टैब्लिश की जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रानेट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में
Which application allows a user to access and change the remote files without actual transfer? ऐसी कौन प्रोटोकॉल हम लोग बोल सकते हैं जो आपको ये अलाउ करती है कि आप अपने डेटा को एक्चुअल ट्रांसफर मत करो, जहां पे डेटा आपका रिमोटली अवेलेबल है वहीं पे डायरेक्टली आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो वो फंक्शनलिटी आपको देता है NFS, ठीक है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, वो डायरेक्टली आपको इस तरीके की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास में मेनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद देयर ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड द टेलीफोन लाइन सच एज कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो कुछ कंपनी की जो ब्रांचेज है वो आपस में कनेक्ट करना चाहती है, तो किसके थ्रू कनेक्ट कर पाएगी ये तो होगा नहीं, वो खुद की प्राइवेट लाइन वहां पे एस्टेब्लिश करेगी। वो कौन से का यूज करेगी, जो पब्लिकली जो कि इंटरनेट है वाइड एरिया नेटवर्क है वो उसका यूज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि वो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास में वर्किंग ऑफ द वैन जनरली इन्वॉल्व्स, वैन की यदि वर्किंग की बात की जाए तो इसमें कौन सी चीजों का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आपके सैटेलाइट्स का यूज भी किया जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल्स का यूज भी किया जाता है और टेलीफोन के लाइन्स का यूज भी किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज टू बी यदि आपको लीज लाइन चाहिए तो उस केस में तो आप लोग टेलीफोन लाइन्स के थ्रू डेटा को ट्रांसमिट हो पाता है, क्यों, क्योंकि ISP जो प्रोवाइडर है मतलब इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है आप वहां से अपनी लीज लाइन को इश्यू करवाते हो और वो आपको एस्टैब्लिश करके देता है, ठीक है। इसी तरीके से माइक्रोवेव जो सिग्नल्स है ये आपके मोबाइल फोन्स के अंदर कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट से वहां पे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो डेटा है उसको ट्रांसमिट करने में यूज किया जाता है। तो तीनों ही टेक्नोलॉजी का यूज आपके वैन के अंदर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपके पास में डी फैक्टो मीन्स, डी फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर कन्वर्टिंग ए डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड, जब हम डिजिटल सिग्नल मतलब 1010 के सिग्नल को एनालॉग सिग्नल मतलब कंटिन्यूस सीरीज के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें मॉड्यूलेशन डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। और इसी का अपोजिट केस जब एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं दूसरी एंड पे तो वहां पे हमें डी मॉड्यूलेशन डिवाइस का रिक्वायरमेंट होती है, और इन दोनों की कंबाइंड डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मॉडेम, जो दोनों का काम करती है, डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट करती है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टू और मोर नेटवर्क्स टू फॉर्म ए सिंगल नेटवर्क इज कॉल्ड, जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क आपस में ज्वाइन किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेटवर्किंग, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपके पास में विच वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल हेल्प्स इन रिमोट लॉगिन ओवर द नेटवर्क, ऐसी कौन से प्रोटोकॉल है जब रिमोटली आप मतलब किसी और प्लेस पे रखे हुए सिस्टम पे ऑपरेशंस करना चाहते हो मतलब उसकी फाइल्स को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो तो उस केस में कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो उस केस में आपके टेलनेट प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। यदि आप लोग डेवलपमेंट में हो या फिर कभी किसी को करते हुए देखा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो टेलनेट के थ्रू आपके जो सर्वर का जो एड्रेस होता है मतलब जिसपे आपके वेबसाइट या वेब पेजेस लोडेड है वहां को डायरेक्टली एक्सेस कर पाता है, जो भी मॉडिफिकेशन करने होते हैं, जो डेटा पुश करना होता है पुल करना होता है वो डायरेक्टली कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू, एड्रेस रिजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल होती है वो आप एड्रेस होता है आईपी एड्रेस होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस को फाइंड करती है, ठीक है। जैसे सपोज टू बी आपके नेटवर्क के थ्रू आपके पास में कोई डेटा अराइव होता है, ठीक है, बट जब वो अराइव आपके नेटवर्क में पहुंच चुका है तो उस नेटवर्क में आने के बाद में वो ये देखता है कि कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस में डेटा ट्रांसमिट करना है, भाई प्रिंटर पे डेटा जाना है, कोई और कोई सेंसर्स आपने लगा रखे उन पे डेटा जाना है कि आपके सिस्टम में डेटा जाना है, और यदि आपके पास में मल्टीपल सिस्टम है तो कौन से पर्टिकुलर सिस्टम में आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में कौन फाइंड आउट कर पाता है, सबसे पहले फाइंड आउट किया जाता है भाई कौन से मैक एड्रेस वाले सिस्टम पे डालना है, तो उस केस में एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ IGP, IGP की फुल फॉर्म होती है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ये जनरली आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स के पार्ट है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, जब अलग अलग लेन्स की कनेक्टिविटी की जाती है
तो वहां पर क्या होता है, एक आपके पास में टेबल एस्टेब्लिश की जाती है, जो जितने भी डिवाइसेस जितने भी नेटवर्क्स उसमें कनेक्टेड है उन सबकी एंट्रीज वहां पे होती है। अब वहां पे दो तरीके की टेबल्स हो सकती है, एक हो सकती है स्टैटिक टेबल और एक होती है डायनेमिक टेबल। बट स्टैटिक टेबल का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें नहीं पता करंट टाइप पे कितनी डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट करने वाली है, ठीक है, तो वो डायनेमिक टेबल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में विच वन इज ए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो होती है आपकी OSPO, ठीक है, ओपन स्टेट पाथ प्रोटोकॉल होती है। नेक्स्ट आपके पास में सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू। तो सबसे पहली चीज कि सर्च इंजन और आपके वेब ब्राउजर्स में डिफरेंस क्या होता है। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वो इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, और जबकि सर्च इंजन जो है वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप www जहां पे आपकी वेबसाइट स्टोर है, वेब पेजेस स्टोर है, वहां से आपके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब रिलेवेंट जो डेटा आइटम्स है उनको निकाल पाओ, ठीक है, वहां पे सर्च कर पाओ। तो उसके लिए आपके सर्च इंजन के प्रोग्राम्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये उस तरीके से भी निकालता है सर्च के डॉक्यूमेंट्स वीडियो जो भी आपने कीवर्ड सर्च किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स को निकालता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपके पास में वेब सर्च इंजन स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय ए किसके किसका यूज करके आपके जो वेब सर्च इंजन है वो आपके मल्टीपल पेजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उनकी एक्सेसिंग करता है। तो वो एक ऑटोमेटर होता है और उस ऑटोमेटर को हम बोलते हैं वेब क्रॉलर, जिसकी वजह से मल्टीपल पेजेस को हम लोग स्टोर कर पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस वेब क्रॉलर को हम और क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं वेब स्पाइडर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो याहू भी है, बिंगो भी है, गूगल भी है, पर विंडोज हमारा सर्च इंजन नहीं है, विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारे पास में सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू द थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर द रिजल्ट इज। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सी बात की जा रही है सर्च इंजन की, ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे जो वेब सर्वर्स होते हैं www होता है वहां पे हमें आइटम्स को सर्च करना होता है तो सर्च इंजन के प्रोग्राम का यूज किया जाता है वहां पे, ठीक है। बट हम क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास में कुछ ऐसा सर्च इंजन भी हैं जो डेटा के कहाँ सर्चेस करते हैं, वो पर्टिकुलर सर्च इंजन में सर्च नहीं करते, मल्टीपल सर्च इंजन मल्टीपल सर्वर्स पे सर्च करते हैं और उन सारे सर्वर्स पे जो डेटा आउटपुट आया उस सबको एक साथ ला करके आपके डेटा के रिजल्ट्स को शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो जाता है बी, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं वो आपके मल्टीपल सर्च इंजन से जो रिजल्ट्स आता है, जैसे सपोज टू बी google.com है, वहां पे हमने सर्च किया, वहां पे जो डेटा आया उसको yahoo.com पे सर्च किया वो डेटा आया उसको, और आपकी बिंगो पे जो डेटा आउटपुट आया उसको, उन सबकी लिस्टिंग करके एक साथ एक ही सर्च इंजन पे प्रोवाइड कर देता है, वो होता है आपका मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट हमारे पास में सर्च रिजल्ट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड एज। जब आपके सर्च इंजन से हमारे पास में रिजल्ट आते हैं, लिस्ट जो आती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास में IDE होता है हमारे पास में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से हमारा मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास में कंपाइलर जो कि हमारे जो प्रोग्रामिंग कोड होता है उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करता है वो, और आपके पास में एडिटर जिसमें हम लोग अपने कोड को लिखते हैं प्रोग्रामिंग कोड को, तो वो दोनों मिलके हमारे पास में क्या बनाते हैं IDE। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में हो गया एनाकोंडा, तो एनाकोंडा जो है वो एक तरीके से आपको एडिटिंग फैसिलिटी भी देता है, आप कोड लिख पाते हो पाइथन का, और वहां पे हमारा कंपाइलर भी कनेक्टेड होता है, वहां पे रन करके हम डायरेक्टली कंपाइलेशन उस प्रोग्राम कोड का कर पाते हैं। तो उस तरीके की प्रोग्राम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में
What do we call a network whose elements may be separated by some distance? It usually involves two or more small networks and dedicated high-speed telephone lines. जब हम टेलीफोन लाइंस का यूज करते हैं और जहां पे हमारे जो डिवाइसेस है वो कुछ ही डिस्टेंस पे अवेलेबल है, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए ताकि उनकी स्पीड काफी फास्ट हो सके, उसके लिए हमें लैन नेटवर्क का यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर ईथरनेट केबल के थ्रू हमारे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो गाइस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।